चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यानी आपके पास सेकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, आपने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेते हैं, एबीसी, बी एंगल 90 का है, लेट एंगल सी इसको मान लीजिए थीटा। नाउ सेकंट थीटा क्या है हमारे पास 13/12। सेकंट थीटा क्या होता है उसमें देखिए हाइपोटेनस बाय बेस, अब बार बार देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। सेकंट थीटा आपका 13/12 एच बाय बी 13/12, हाइपोटेनस आपका ए सी और थीटा का बेस आपका बी सी, तो ए सी बाय बी सी आपका आ गया 13/12। तो वही पिछले वक्त की तरह लेफ्ट ए सी को आप 13 के मानिए, बी सी को 12 के। अब इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू रखें 13 के, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 12 के, इसका स्क्वायर यहाँ से 12 के स्क्वायर प्लस का इधर माइनस का ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 144 के स्क्वायर, माइनस करोगे तो आएगा 25 के स्क्वायर। ए बी की वैल्यू निकाल लिया तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 का रूट 5 के स्क्वायर का रूट के। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है 5 के। नाउ अब बाकी सारी वैल्यूज निकाल दें। अब साइन थीटा, थीटा आपका ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, थीटा का परपेंडिकुलर 5 के और थीटा का हाइपोटेनस 13 के, 5 के बाय 13 के इक्वल टू 5/13। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 आ गई, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस 12 के बाय 13 के 12/13, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, कोसेकेंट थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 13/5 कैंसिल आउट होने के बाद सेकंड थीटा को 13/12 दे रखा है, लास्ट फोर्थ थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर के से कैंसिल 12/5। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स देन शो दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, सॉरी इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ट्रायंगल बना ले एबीसी, छोटी सी बी एंगल 90 का, तो गिवन के आपके पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो बी तो 90 का ले ही नहीं सकते, दोबारा बनाते हैं इसको। ए और बी एंगल इक्वल है तो ए और बी को आपको एक्यूट एंगल बनना पड़ेगा, ये A और ये B, C एंगल 90
थीटा मान लीजिए, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए एंड ये इक्वल एक्चुअली में शो कर रहे हैं एंगल बी आर सच दैट उनकी कोसाइन वैल्यू कोस वैल्यू से हम दे रखी है, दैट मींस कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये वैल्यू दे रखी है। अब आपको प्रूव करना है एंगल ए को एंगल बी के, यही शो करना आपने, बहुत इजी है। देखिए ध्यान से, कोस ए इक्वल टू कोस बी है, कोस मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइडिंग हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल, ए और बी इक्वल आ जाएंगे, ऐसा ही सोच रहे हो कुछ आप? बिल्कुल गलत, कहीं गलती से ऐसा मत कर देना कि cos a इक्वल टू cos b, cos मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में और cos से cos कैंसिल कर दें और a b के इक्वल आ जाए। यहाँ पे ये इसके बार बार कह रहा हूँ, जो cos है वो a के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, a इसके तौर पे एज ए सिंबल यूज हुआ है, सिंबल के तौर पे, यानी cos a का ये cos a है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोस और ए की मल्टीप्लाई है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो हम ऐसा लॉजिक भूल कर भी यूज नहीं करेंगे। तो प्रूफ में हम कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी पहले कोस ए निकालिए, कोस ए बेस बाय हाइपोटेनस, ए एंगल का बेस कौन सा है, ए सी, ए एंगल का हाइपोटेनस कौन सा है, सॉरी ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा है, AB, that means cos A की वैल्यू आपकी आ गई AC by AB, equation number 1, also cos B भी निकाल लीजिए, लगे आप ये भी बेस बाय हाइपोटेनस, B एंगल का बेस BC और हाइपोटेनस AB, equation number 2, अब since cos A किसके इक्वल है, cos b के गिवन है ना, सो इसकी वैल्यू रखें cos a की, ac by ab और यहां से क्या आएगा bc by ab, तो यहां से देखिए ab डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहां से ac की वैल्यू क्या आ जाएगी bc by ab, ab इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ab से ab कैंसिल, सो ac किसके इक्वल आ जाएगा bc के, यानी ये दो साइड से इक्वल आ चुकी है। तो इसका मतलब अगर किसी दो ट्रायंगल किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल, हम यही लिखेंगे बस। नाउ इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू BC, सो AC के अपोजिट वाला एंगल एंगल B इक्वल टू BC के अपोजिट वाला एंगल एंगल A, रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अच्छा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी, पिछले क्वेश्चंस की तरह, इफ कोट ए इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and second cot square theta. चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? फर्स्ट 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सेकंड आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये है कोट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये है कि ये जो कोट थीटा की जो वैल्यू आएगी उस सारे का स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल बना लीजिए। वैसे एबीसी बी एंगल 90 का, सी एंगल को थीटा मान लीजिए। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेट एंगल सी को हम मान लेते हैं थीटा। नाउ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर 7/8, थीटा एंगल का बेस है बीसी और परपेंडिकुलर है एबी 7/8। वही पिछले क्वेश्चन की तरह लेट बीसी को हम क्या मानेंगे? 7 का मल्टीपल 7k, और एबी को हम क्या मानेंगे? 8k, और बीसी को हम मानते हैं 7k, एबी को हम मानते हैं 8k। और वैल्यू किसकी निकालेंगे? सबसे पहले एसी की। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां से एसी स्क्वायर आएगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यहां पे इनकी वैल्यू करें, एसी स्क्वायर आपको निकालना है, बीसी है आपका 7k इसका स्क्वायर, और एबी है आपका प्लस 8k इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिए, 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। यहाँ से एसी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 64 + 49 113k स्क्वायर। यहाँ से एसी की वैल्यू निकालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी √113k स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आएगी √113k स्क्वायर का रूट a। तो हम एसी की वैल्यू आज की है वो यहाँ पे लिख दें √113 × k। तो यहां से नाउ अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1 + sin थीटा होता है परपेंडिकुलर वाई है, कुछ सीधा लिखे ना हम इसको 8/8k/√113k × 1 - 8k/√113k अपॉन 1 + cos थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस 7k/√113k 7k/√113k × 1 - 7k/√113k। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहां से कैलकुलेशन कीजिए, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, k से k, k से k कैंसिल। अब यहां से बाकी की कैलकुलेशन उठाइए,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से वैल्यू आएगी है 1 स्क्वायर माइनस 8 बाय रूट 113 इसका स्क्वायर, ऐसे ही नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय रूट 113 का स्क्वायर 113, 1 माइनस नीचे 49 बाय 113, एलसीएम लीजिए ऊपर नीचे, एलसीएम 113 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम लीजिए 113, यहाँ से आएगा 113 माइनस 49, कैलकुलेशन कीजिए इसके बाद 113 माइनस 64 49 डिवाइड बाय 113, इसके डिवाइड में आएगा 64 डिवाइड बाय 113, यहाँ से जो कैलकुलेशन आएगी इसकी 49 बाय 113 मल्टीप्लाई में 113 ऊपर और 64 नीचे, तो ये कैलकुलेट होके आ गया 49 डिवाइड बाय 64, ये वैल्यू किसकी है फर्स्ट पार्ट की, डायरेक्ट लिख देते हैं, सो 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 64। सेकंड पार्ट इसमें बहुत इजी है, सेकंड पार्ट में आपने निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, दैट मींस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, कॉट थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, थीटा का बेस आपका 7 के डिवाइड बाय परपेंडिकुलर 8 के इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये से के कैंसिल, सो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 64, दैट मीन्स सेम वैल्यू जो वैल्यू पिछली थी वही वैल्यू आ गई, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू क्या दे रखी है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4,
यहाँ पे ट्राइंगल बना दें ए बी सी। अब कोण ए है तो इसका मतलब ए को आप एक्यूट एंगल लेंगे, सॉल्यूशन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी कोण ए इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज यहाँ से कोण ए की वैल्यू निकालें, ये आएगा 4/3। अब कोण ए का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर 4/3, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो बेस कौन सा है, ए एंगल का बेस ए बी, ए एंगल का परपेंडिकुलर बी सी इज इक्वल टू 4/3। लेट ए बी को हम क्या मानेंगे 4a एंड बी सी को हम क्या मानेंगे 3a। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी आपका 4k है, बीसी आपका 3 है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 3 cot a is equal to 4, आपने वैल्यू निकाला, आपने शो करना है कि 1 minus 10 square a by 1 plus 10 square a और cos square a minus sin square a क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए हम दोबारा से फिर वही ट्रायंगल लेते हैं ABC, B वाला एंगल हम लेंगे 90 पे। हमारे पास गिवन क्या है 3 cot a is equal to 4, तो यहां से कोट ए की वैल्यू आएगी 4/3। कोट ए क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर 4/3। ए एंगल का बेस है एबी और परपेंडिकुलर है बीसी, यानी एबी बाय बीसी इक्वल 4/3। अब पिछले क्वेश्चन की तरह एबी को आप 4k मानिए, बीसी को 3k। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम यहां से एसी निकालेंगे, एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। AB आपका 4K है, BC आपका 3K है। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 5K। AB आ गया 4K, BC 3K और AC कितना आ गया 5K। अब हम एक एक करके एक बार टेंजेंट A की वैल्यू निकाल लेते हैं और cos A और sin A की जिनकी हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो पहले से निकाल के रख लेते हैं। टेंजेंट A आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर A का 3K डिवाइड बाय 4K, कैलकुलेशन करके 3/4। cos a बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस 4k हाइपोटेनियस 5k 4/5। और इसी टाइप से sin a परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस b बाय h 3/5। तो चलिए यहां से कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a, टेंजेंट a की वैल्यू करेंगे 3/4, 1 minus 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1 minus 9/16 by 1 plus 9/16, एलसीएम वगैरह लेने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a आपका आ जाएगा 7/25। अब राइट हैंड साइड चेक कीजिए cos square a माइनस साइन स्क्र ए, cos a की वैल्यू 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर। That means 16/25 minus 9/25, कैलकुलेशन करने के बाद ये भी कितना आएगा 7/25। अब देखिए ये भी 7/25 के इक्वल, ये भी 7/25 के इक्वल। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कीजिए तो 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a इक्वल आ जाएगा आपका cos square a minus sin square a।